मेरी कोई खता तो साबित कर, जो बुरी हो तो बुरा साबित कर। तुम्हें चाहा है कितना तू क्या जाने, चल मैं बेवफा ही सही, तू अपनी वफा तो साबित कर। अगर आप ये सोच रहे हो कि गुलजार साहब की ये शायरी मॉडल टर्न एक्ट्रेस आकांक्षा पुरी की लाइफ पर बखूबी जचती है तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हो। आकांक्षा पुरी एक ऐसी अदाकारा का नाम है जिनका इश्क तो सच्चा था पर शायद गलत शख्स से। तो चलिए आज हम आपको आकांक्षा पुरी की जिंदगी के बारे में कुछ हसीन किस्से कहानियाँ सुनाते हैं। आकांक्षा का जन्म 26 जुलाई 1988 मध्य प्रदेश भोपाल में हुआ था। आकांक्षा के घर में उनके माँ बाप के अलावा उनका एक भाई भी है। आकांक्षा के पापा एक रिटायर्ड पुलिस कमिश्नर और मम्मी एक एस्ट्रोलॉजर है। आकांक्षा ने अपनी पढ़ाई लिखाई भोपाल से पूरी की। अब जहाँ बचपन से ही आकांक्षा ने खुद को कई सारे सपने दिखा दिए थे तो बस फिर क्या था, आकांक्षा ने अपना रुख सपनों की नगरिया मुंबई की तरफ मोड़ लिया। शुरुआती दिनों में आकांक्षा को जहाँ स्ट्रगल करना पड़ा था तो अपनी एक्स्ट्रा इनकम के लिए आकांक्षा ने कुछ दिन तक फ्लाइट अटेंडेंट का काम भी किया और साथ ही साथ वो मॉडलिंग के छोटे मोटे असाइनमेंट्स करती रही। और फिर आकांक्षा को मिला उनका पहला ब्रेक साउथ की फिल्म एलेक्स पैंडियन में, जो 2013 में रिलीज हुई थी। और उसके बाद कई सारी रीजनल फिल्मों में आकांक्षा दिखाई दी, पर उनके करियर का टर्निंग पॉइंट रहा 2015 में मधुर भंडारकर की फिल्म कैलेंडर गर्ल, जिसने उन्हें बॉलीवुड में जगह दी, नाम दिया और शोहरत दी। उसके बाद एडवर्टीजमेंट्स, म्यूजिक वीडियोस में काम करने के बाद आकांक्षा ने छोटे पर्दे पर अपना लक आजमाया सीरियल विघ्नहर्ता गणेशा, जिसमें आकांक्षा पार्वती का किरदार निभा रही है। तो अब बात करते हैं आकांक्षा की लव लाइफ के बारे में, जो उनकी जिंदगी की तरह रंगीन है। कहा जाता है कि आकांक्षा अपने करियर की शुरुआती दिनों में सिद्धार्थ शुक्ला को डेट कर रही थी। दोनों को कई बार एक साथ पार्टी करते देखा गया था। दोनों के बीच सब ठीक ही चल रहा था, पर फिर शायद किस्मत को उनका साथ गवारा नहीं था और दोनों अलग हो गए। फिर आकांक्षा की जिंदगी में आए पारस छाबड़ा, दोनों में प्यार हुआ, इकरार हुआ। दोनों एक दूसरे के प्यार में इतना खो गए कि आकांक्षा ने पारस के नाम टैटू अपने हाथ में बनवाया। पारस ने भी आकांक्षा के नाम का टैटू बनवाया। दोनों के बीच का प्यार काफी तेजी से गहरा हो रहा था, पर सिर्फ तब तक जब तक आकांक्षा पारस की लाइफ में बिग बॉस 13 ने एंट्री ना ली थी। पारस ने जब बिग बॉस में एंट्री ली, मानो इनके रिश्ते की सच्चाई दुनिया वालों के सामने आ गई। आकांक्षा के हिसाब से वो और पारस एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं। आई लव्ड हिम। जब उसने मुझे पहली बार डेट के लिए पूछा था, ही टोल्ड मी आकांक्षा मेरे पास तुम्हारी तरह बड़ी गाड़ियाँ, ड्राइवर, और मैं किसी शो का लीड नहीं हूँ, मैं एक शो में कैरेक्टर 4-5 हज़ार में कर रहा हूँ, मैं तुम्हें सिर्फ एक कॉफी के लिए ले जा सकता हूँ, तो वुड यू कम आउट फॉर अ डेट विद मी। एंड आई थिंक दैट्स द मोमेंट आई फेल इन लव विद हिम, बिकॉज़ मुझे उसकी ऑनेस्टी सबसे ज्यादा पसंद है। सबको यही लग रहा था, पर जब पारस बिग बॉस 13 के घर में शामिल हुए तब उनके अंदाज बदल गए। बाहर जहां आकांक्षा पारस को सपोर्ट कर रही थी, वहीं घर के अंदर पारस की माहिरा शर्मा के साथ अलग ही नजदीकियां दिखाई दे रही थी। घर के दूसरे सदस्य अरहान खान से बात करते समय पारस ने बताया कि वो आकांक्षा के साथ जबरन रिलेशनशिप में है। घर में दाखिल होने के पहले ही पारस ने आकांक्षा से ब्रेकअप कर लिया था और ये बात नेशनल टेलीविजन पर सुनते ही आकांक्षा समझ ही नहीं पाई कि उनके साथ 3 साल तक धोखा हो रहा था या फिर घर के अंदर पारस माहिरा को धोखा दे रहे थे। आकांक्षा जहां पारस के लिए कपड़े, जूते और परफ्यूम सब भिजवाती थी, तो इसके बदले में पारस ने आकांक्षा को ब्रोकर तक कह दिया। ये सारी बातें सुन के आकांक्षा का दिल टूट गया और खबरों में ये भी आया कि आकांक्षा ने पारस से ब्रेकअप करने का फैसला कर लिया। पारस से धोखे का बदला लेने के बजाय आकांक्षा बड़ी समझदारी से मूव ऑन हो गई। एक इंटरव्यू में आकांक्षा ने बताया था कि काश बिग बॉस पहले ही होता उसकी जिंदगी में, कि 3 साल बच जाते। कैसी लगी आपको आकांक्षा की ये कहानी? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी ढेर सारी अपडेट्स के लिए देखते रहे टेली मसाला।